हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रल चैप्टर को पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी एक्सरसाइज पहले ही सॉल्व करा रखे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर जिनके मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन ही देखना, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आपके पास इंटीग्रल इस प्रकार का हो कि आपके इंटीग्रेशन की लिमिट ए से बी में जा रही और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है। सपोज़ करो इस फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स और आप लिमिट इस प्रकार से लेंगे ए टू बी। सो ये चीज़ पता है क्या होती है, आपको एक्स के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखनी होती है यानी कि एफ बी, फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट रखनी होती है एक्स की प्लेस पे एफ ए। और इस क्वेश्चंस में आपको सी ऐड नहीं करना होता है क्योंकि ये हमारे डिफाइनाइट इंटीग्रल्स हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स किसे कहते हैं, जिसमें आपकी लिमिट दी रहती है। ठीक है, वहाँ पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, सो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हमें इंटीग्रेशन करना है माइनस वन से वन एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो देखो इंटीग्रेशन जब करना है तो अलग अलग ले लेते हैं, माइनस वन से वन एक्स डी एक्स प्लस एक्स की पावर कुछ नहीं तो वन है, एक्स की पावर एन के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन से वन। और वन डी एक्स का कंडीशन क्या होता है, एक्स माइनस वन से वन। सो ये तो वन बाई टू, इधर एक्स की जगह पर वन का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ क्या रखना है माइनस वन का स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स की जगह पर माइनस के वन। तो यहाँ से तो देखो जीरो हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो। और यहाँ से क्या जाएगा, देखो वन वन टू आ जाएगा। सो यहाँ से क्या जाएगा आंसर टू, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, हमें इंटीग्रेशन दे रखा है टू से थ्री वन अपॉन एक्स डी एक्स। सो आपको पता है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस एक्स, फॉर्मूला है लॉग मॉडुलस एक्स और लिमिट किया जा रही है दो से तीन। तो क्या होगा, अपर लिमिट लॉग थ्री माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पर लॉग टू। सो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन है ना। सो लॉग यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री बाई टू आंसर। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये चीज़ हमें दे रखी है, क्या करना है आपको, अलग अलग लेना है इंटीग्रेशन इनकी। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं अलग अलग लेके दिखा रहा हूँ। कांस्टेंट को आप बाहर भी लिख सकते हैं, क्या कि हमने इंटीग्रेशन सबका अलग अलग ले लिया, सबके अलग अलग, और कांस्टेंट को बाहर कर दिया। सो यहाँ से पहला देखिए फोर बार लिमिट वन इंटीग्रेशन जब हम करेंगे एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर लिमिट जाएगी वन से टू माइनस, यहाँ फाइव है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, क्योंकि एक्स की पावर एन है और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट एन प्लस वन, यानी कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे भी आ जाती है।
यहाँ से क्या जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो यानी कि एक्स की पावर 2 अपॉन 2 9, और डी एक्स कंडीशन क्या होता है, एक्स लिमिट 1 से 2, 4 से 4 कटा तो देखो यहाँ से एक्स की जगह पर अपर लिमिट 2 की पावर 4 1 की पावर 4 माइनस 5/3 है 2 की पावर 3 1 की पावर 3। ठीक है, देखो और एक चीज़, आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर मत समझ लेना, 3 का स्क्वायर मत समझना, ये जो स्क्वायर लिखा है ना मैंने ब्रैकेट लगाकर, कांस्टेंट का नहीं है, सिर्फ वेरिएबल के लिए है स्क्वायर, कन्फ्यूज़न मत रखना। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल के लिए है, कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, गॉट इट, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से 5/3 2 का क्यूब 1 का क्यूब, फिर 2 3, यहाँ से क्या जाएगा अपर लिमिट यानी कि 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस के 9 2 माइनस 1। अब तो बस थोड़ा सा सॉल्व ही करना है, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 5/3 8 माइनस 1 3 4 माइनस 1 9। ठीक, अब जब आप इनको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64/3 आंसर। क्लियर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, माइनस की कॉस 2x, और x का क्वेश्चन कितना है 2, सो वो अपॉन में आ जाता है और लिमिट लग जाएगी 0 से π/4। सो यहाँ से देखिए माइनस की 1/2 बाहर प्रॉपर वे में लिखते हैं, कॉस 2x 0 से 4। एक बार क्या करना है, x की जगह पर अपर लिमिट रखनी है माइनस लोअर लिमिट, सो यहाँ कॉस x की जगह पर क्या है π/4 माइनस कॉस 2 × 0। एक बार एक्स की जगह पर π/4 रखा और एक बार एक्स की जगह पर 0 रख दिया, सो यहाँ आ गया कॉस π/2 और यहाँ आ गया कॉस 0। कॉस π/2 की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस 1/2 × −1 1/2 आंसर। सो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा सेम तरीके से। ठीक, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, और अपॉन में x का क्वेश्चन कितना है 2, लिमिट 0 से π/2, 1/2 बाहर, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा π/2, साइन 2 × π/2 माइनस साइन 2 × 0। सो यहाँ से क्या आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन π × sin 0। और आपको पता है जो वैल्यू साइन 0 की होती है वही वैल्यू साइन π की भी होती है, नेगेटिव होता है, बस इधर प्लस का होता है तो इधर नेगेटिव का होता है। सो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होना है क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से 1/2 0 0 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, नेक्स्ट 4 to 5 e की पावर x dx। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है, लिमिट वही। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर 5 माइनस ए की पावर 4, एक्स की जगह एक बार 5 रखा एक बार 4 रख दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से π/4 tan x।
अब 10x का जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो दो तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप प्लस का लिखना चाहते हैं या फिर माइनस का लिखना चाहते हैं। ठीक, अगर आप माइनस का लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस एक्स। ठीक, अगर आप प्लस का आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर होता है लॉग शेक एक्स। तो आपके पास दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। सो मैं कर रहा हूँ लॉग शेक एक्स वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो टेन एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग शेक एक्स, और लिमिट जा रही है 0 से π/4। ठीक, तो एक्स की जगह पर लॉग शेक π/4 लॉग शेक 0, ये चीज़ें। अब देखो शेक π/4, sec π/4 की वैल्यू होती है √2, sec 0 की वैल्यू होती है 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, आपको पता ही होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। सो आंसर इज log √2। ठीक, आ रहा समझ में? सो ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। देखो कई बार आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं दिख रही होंगी ना, तो आपको तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में हमेशा, क्योंकि वो की वर्ड्स होते हैं हमारे, की चीज़ें होती हैं जो हम बाद में भूल सकते हैं, उनको हमें तुरंत नोट कर लेना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो कोशेक एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप ही जैसे रट लेना होता है, जैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। सो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, मैं लिख भी दे रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर, लॉग ब्रैकेट में लिख देना कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। और लिमिट हमारी क्या जा रही है, π/6 से π/4। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, कॉशेक π/4, एक बार एक्स की जगह π/4 रख रहे हैं, माइनस लॉग, अब क्या रखना है, एक्स की जगह π/6। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो आपको बताई होंगी, कॉशेक π/4, कॉशेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2, कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉशेक π/6 की वैल्यू होती है 2, एंड कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। ठीक, यही आंसर छोड़ दो, आया कि नहीं? ठीक है, सो ये क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ लिमिट आ गए, ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले एक्सरसाइज में ही कर रखे थे 7.1 में। अब ये भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। तो ये तो देखो फॉर्मूला कौन सा है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा है dx/√a² - x² वाला फार्मूला है कि नहीं, ये फार्मूला हमारा। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x/a, बस रख दो, साइन इनवर्स x की जगह पर x है और a की जगह पर 1 है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, और लिमिट जा रही है 0 से 1। सो यहाँ पर है साइन इनवर्स x और लिमिट है 0 से 1, अपर लिमिट रखोगे और लोअर लिमिट रखोगे, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 मतलब 1 किस एंगल पे देता है साइन, π/2 पे, और 0 किस एंगल पे देता है, 0 पे। सो आंसर इज π/2। ठीक, आ रहा है समझ में? आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया लिंक्स पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है, मैं उनकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पर मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आते हैं 10th नंबर पर, तो
देखो वन को लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो क्या होगा, देखो ए तो हमारा वन है तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ए की जगह पर जब वन वन रखोगे तो यही मिलना है, और लिमिट क्या है, ज़ीरो से वन। सो रखेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन टेन के कौन से एंगल पे आता है, पाई बाई फोर पे, और ज़ीरो कौन से एंगल पे आता है, ज़ीरो पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। क्लियर, ठीक है ना, तो ये भी हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को लिख सकता हूँ मैं वन का स्क्वायर, तो ये फिर से एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी फार्मूला होता है तो वो आपका फार्मूला बनता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक। और यहाँ ए के स्थान पर वन है और एक्स के स्थान पर तो एक्स ही है, हो जाएगा आराम से। तो देखिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, वन अपॉन टू है, एक की जगह पे तो वन रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, लिमिट क्या है, दो से तीन, ठीक है ना। चलिए अब लिमिट रखते हैं, लॉग एक्स की जगह पे तीन रखना है, थ्री माइनस वन थ्री प्लस वन, फिर माइनस लोअर लिमिट लॉग टू माइनस वन टू प्लस वन, तो वन बाई टू बाहर। सो यहाँ से आ जाएगा लॉग टू बाई फोर, और यहाँ से आ जाएगा लॉग वन बाई थ्री, यानी कि वन बाई टू, ठीक। तो यहाँ से क्या गया, वन पॉइंट टू आपको पता ही है, लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है, लॉग एम अपॉन एन के, ठीक। तो यहाँ एम ये है और एन ये है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन भी हो गए, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉश स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ना ही साइन स्क्वायर एक्स का, तो कॉश स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन को पहले खोल लेना पड़ेगा हमें, तो कॉश स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। वन बाई टू टोटल के बाहर लिख लो, ज़ीरो से पाई बाई टू, वन प्लस, तो वन बाई टू टोटल के बाहर है, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स, और एक्स का क्वेश्चन कितना है, टू, वो यहाँ आ जाएगा, लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू, ठीक है। अपर लिमिट एक्स की जगह पर मैंने क्या रख दिया, पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि टू इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो जाना है, ठीक। ये चीज़ आ गई, वन बाई टू बाहर, यहाँ से पाई बाई टू प्लस वन बाई टू, टू से टू मतलब साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये सारे ज़ीरो हो गए। तो अंदर क्या बचा, वन बाई टू
टू इंटू पाई बाई टू। सो आंसर क्या जाएगा? पाई बाई फोर। ठीक आ रहा है कि नहीं? ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 13 इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप मान के कर लो क्योंकि नीचे मानने से ऊपर मिल रहा है, या फिर अलग अलग ले लो। अलग अलग मानने पर भी लेंथ ही होना है तो मान लेते हैं। लेट टी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन मान लो। सो डी टी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स, यानी कि डी टी अपॉन टू क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स। सो एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में रख सकते हैं डी टी बाई टू। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल चेंज किया है। सो आप क्या करोगे, वेन एक्स इक्वल टू टू, सो एक्स का यहाँ टू रखा हूँ, टू का स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू का स्क्वायर प्लस वन यानी कि पाँच। एक्स इक्वल टू थ्री रखोगे तो टी क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन प्लस वन यानी कि टेन। सो हमारा इंटीग्रल चेंज होकर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जाएगी फाइव से टेन। और यहाँ पर क्या है, डी टी अपॉन में कितना है, वन बाई टू, तो इधर, और इसकी जगह पर हमने क्या रखा है, टी। देखो अगर आपका अप्रोच डिफरेंट है अलजेब्रिक वे में तो आपका आंसर भी डिफरेंट आते हैं इंटीग्रेशन में। ये ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर पीछे के एन सी आर टी से मैच करें, क्योंकि आपका अप्रोच अलग है। इंटीग्रेशन के कई आंसर होते हैं। सो वन बाई टू बार वन अपॉन टी का लॉग टी, और लिमिट फाइव से टेन। अब लिखोगे अपर लिमिट टेन, लोअर लिमिट कितना है, फाइव। वन बाई टू लॉग एम माइनस एन यानी कि लॉग एम अपॉन एन, फाइव टू जो। सो आ गया वन बाई टू लॉग टू। क्लियर, ये हमारा आंसर था। सो ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, ये चीज़ हमारे पास, तो हमें क्या करना है, इंडिकेशन अलग अलग लेना है। क्लियर। सो अगर ये इस इंडिकेशन को हम लिख सकते हैं टू बाहर एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री बाहर डी एक्स अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो देखो इसको लेट करने से इसका डेरिवेटिव मिल रहा है एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे आई वन मान लो, इसे आई टू, और इसे इक्वेशन वन मान लो। ठीक है, तो देखिए करते हैं आगे। आई वन लेट करते हैं इसको ऐसे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डी टी, यहाँ से हो जाएगा पावर सॉल्व होगी ना, टू फाइव ज़ार टेन एक्स डी एक्स। सो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, डी टी अपॉन टेन। ठीक, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो वेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स का मान यहाँ ज़ीरो रखोगे तो टी का मान क्या जाएगा, एक। वेन एक्स इक्वल टू वन, सो फाइव इंटू वन का स्क्वायर फाइव प्लस वन, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या जाएगी, सिक्स। सो हमारा जो आई वन है वो क्या हो जाएगा, टू ऑलरेडी था लिमिट, देखो ज़ीरो पे कितना है तो वन, और ये सिक्स, एंड यहाँ रखना है डी टी अपॉन में कितना है टेन, तो यहाँ टेन आ जाएगा, और यहाँ क्या है, इसको हमने क्या माना था टी, ये चीज़ आ गई। सो ये वन बाई फाइव, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। मॉडुलस का होता है तो मॉडुलस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से आ जाएगा लॉग सिक्स लॉग वन,
और लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो। सो 1/5 लॉग 6 आंसर। आंसर मतलब I1 आया, अभी पूरा आंसर नहीं आया, I1 के लिए आंसर आ गए हैं। अब आपको क्या निकालना है? I2 सॉल्व करना है आपको। I2 पे आ जाओ। I2 के हमारे पास 3 यहाँ है, dx इंटीग्रेशन में लिमिट हमारी 0 से 1 है, और नीचे 5x² + 1। सो देखो x के साथ क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 को पहले बाहर निकालो, यहाँ x² बचेगा, यहाँ 5 नहीं है तो 1 के अपॉन में 5 आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x² 1/√5 का होल स्क्वायर। ओके, और ये फार्मूला बन गया x² + a². सो वो फार्मूला क्या होता है? ये तो बाहर है, 1/a, a क्या 1/√5, फिर होता है 10 inverse x/a, लिमिट 0 से 1। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट फाइव ऊपर चला जाएगा, 3 into √5/5, और यहाँ से 10 inverse √5x हो जाएगा, 0 to 1, तो यहाँ आ जाएगा 3/√5। सॉल्व करोगे, x + 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 inverse √5, फिर आ जाएगा 10 inverse 0। 10 inverse की वैल्यू 0, इसका कोई आंसर नहीं निकाल पाओगे, तो ये यही रहेगा 3/ ये चीज़, 10 inverse √5, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस करोगे तो यही रहेगा। ये हमारा I2 आया। सो I1 ये I2 है, ये I1 है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 क्या हमारा? 0 to 1 xe x² dx। देखो x² का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, लेट x² = t, डेरिवेटिव करो दोनों साइड, x² का हो जाएगा 2x dx, इधर आ जाएगा dt। सो x dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt/2। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन x = 0, यहाँ रखोगे 0 का स्क्वायर, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। x = 1, t की वैल्यू पे कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1। तो लिमिट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिमिट हमारा 0 से 1 पे ही जा रहे हैं। x dx की जगह पे हमें क्या रखना है? dt/t2 बाहर, और e^x² की जगह पर क्या रखना है? e^t। e^t का इंटीग्रेशन e^t ये होता है, लिमिट 0 से 1, e^1 e^0। किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का। तो देखो इसमें क्या खासियत है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है न्यूमरेटर की और डिनोमेटर की वो सेम है। जब भी डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमेटर की सेम होती है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ x² है, यहाँ स्क्वायर है, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। करते हैं, सो 5x² बच्चों को 20, मास्ती है 15। माइनस करने पे साइन चेंज होते हैं, सो ये माइनस के 20x माइनस के 15। माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पर ये चीज़। ठीक, एक ही बार डिवाइड जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं, अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, कितनी बार डिवाइड किया? 5। ठीक है, और रिमाइंडर जो बचा माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दो, 20x + 15 अपॉन में जो भी था।
ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये रूल है, ठीक हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे, जब इंटीग्रेशन लोगे तो 5 का तो आराम से हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका क्या करोगे, आपके मन में दो चीज़ें आ सकती हैं। जब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो डिनोमिनेटर को तोड़ के करते हैं, वो मैंने बता रखा है ए डी बाई डी एक्स। लेकिन देखो इसका फैक्टर किया जा सकता है, इसका फैक्टर क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर किया जा सकता है। सो किया जा सकता है तो करो। तो इसका फैक्टर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस थ्री को, जब 4x है ना यहाँ पर, 3 × 3 = 4, हाँ तो एक्स प्लस 3 × x + 1 इसका फैक्टर होगा, क्लियर। तो मुझे इसको सॉल्व करना है बाई पार्शियल मैथ फ्रैक्शन मेथड से, और ये तो आराम से हो जाएगा। अब अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो, लिमिट ले लो यहाँ से 1 to 1 to, सो दिस इज ईजिली, दिस कैन बी ईजिली सॉल्व। इसे आप i1 मान लो, इसे आप i2 मान लो, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं वन, सबसे पहले i2 को करना है क्योंकि i1 तो ऑलरेडी हो ही रखा ऑलमोस्ट। i2 तो हमारे पास क्या है, 20x + 15 / x + 3 x + 1 यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सो वी गेट a/x, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, ये आएगा b/x + 1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे सो यहाँ से क्या जाएगा, x + 3 × x + 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यहाँ क्या है 20x + 15। हमारे पास क्या बचा, 20x + 15 = x + 1a + x + 3b। अब डिफरेंट लीनियर फैक्टर है तो इसमें ये मेथड चल जाता है, लेट x + 1 = 0, सो x = -1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट करूँ। सो यहाँ आ जाएगा 20 - 1 + 15, इसको तो 0 पुट किया है तो यहाँ -1 + 3 यानी कि 2b बचेगा। सो और यहाँ से बचेगा आपका -k 5, सो b आपका क्या जाएगा, -k 5/2, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गई। अब अगेन व्हेन x + 3 = 0, सो x = -3, अब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, -k 3 रखना है। सो क्या हो जाएगा देखिए, 20 × -3 + 15, और यहाँ -3 + 1 यानी कि -k 2a, 60, 60 में से 15 जाएगा तो -k 45, -k 2a, सो a = 45/2, क्लियर। ए और बी हमें दोनों मिल चुके हैं, ए और बी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, i2 सॉल्व हो जाएगा। सो हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा था, 1 से 2, 20x + 15, ये क्या आ गया है, 1 से 2, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 45/2, नीचे क्या है हमारे पास x + 3, और यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -k 5/2, सो -k 5/2 dx इंटीग्रेशन 1 से 2, और अपॉन में क्या है x + 1, करते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो 45/2 तो बाहर आ जाएगा और लीनियर फैक्टर है तो इसमें लॉग में आ जाएगा, log x + 3, लिमिट 1 से 2, -5/2 log x + 1 integration 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं 45/2, अपर लिमिट 2 रखेंगे 2 3 5 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, x की जगह पर एक बार 2 रख, x की जगह पर 1 रखना है, 4 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट 3 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 1 + 1 = 2 हो जाएगा।
सो लॉग एम माइनस एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन। तो ये हमारा आई टू आ गया, ठीक है। और बात की जाए आई वन की, यहाँ से देखो आई वन को मैं यहीं सॉल्व कर ले रहा हूँ। फाइव बार डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स लिमिट वन से टू, सो यहाँ से टू माइनस वन, सो क्या जाएगा फाइव। और फाइव में ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई टू की। आप माइनस करके यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? यहाँ पर माइनस करके रख देंगे, आगे आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आराम से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाऊँ। तो इसको हम अलग अलग ले लेते हैं, टू बाहर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। एक अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लिया है। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 4। एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 से पाई बाई 4। फिर प्लस 2 डी एक्स का क्या होता है, एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 4, 2 अपर लिमिट 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0, ठीक। प्लस 1 बाई 4 बाहर, यहाँ से क्या जाएगा पाई बाई 4, 4 माइनस 0, 0 की पावर 4 0 ही होते हैं, 2 और यहाँ से जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, सो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 और यहाँ से आ जाएगा पाई की पावर 4, 4 की पावर 4 और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है, तो 2 प्लस पाई की पावर 4, 4 की पावर 5 प्लस पाई बाई 2, इसको सॉल्व करो या फिर यहीं छोड़ दो आंसर, ठीक। तो ये चीज़ आपकी आंसर आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 18। ठीक, अगर देखो अगर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने माइनस, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और आपको एक फार्मूला पता होगा, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x, 2 और यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या, एक्स बाई 2, तो यहाँ से क्या जाएगा कॉस 2 एक्स की जगह पर है एक्स बाई 2, 2 से 2 कटा, सो क्या है यहाँ पर कॉस एक्स, कॉस एक्स का कंडीशन क्या होता है, साइन एक्स 0 से पाई, सो साइन पाई साइन 0 अपर लिमिट एक्स की जगह पर माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पर, साइन पाई की वैल्यू इज 0, साइन 0 की वैल्यू इज 0, सो आंसर इज 0। तो ये भी हो गया बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाऊँ। 0 से 2 सिक्स एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, ठीक। इसको मैं बना के दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, आपको पता ही है। सो ये चीज़ है, ठीक। देखो इसको लेट करने से ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। प्लस 3 को बाहर निकालो, डी एक्स एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और ये तो फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आराम से कर लोगे ना। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए होमवर्क पे छोड़ा है, इसे आपको खुद से ट्राई करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट करके। बहुत सिंपल है, ठीक है, करके मेरे को आंसर ज़रूर बताना। अब आ जाऊँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 20।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग ले लेता हूँ पहले। ये जो फोर है वो एंगल पे ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो देखो इस पे तो लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि दो फंक्शंस हैं। सो रूल क्या कहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ लग जाता है, ये पूरा पूरे में लगता है, माइनस ज़ीरो टू वन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि वन सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन, एक ही पावर एक्स फिर पूरे का इंटीग्रेशन, प्लस साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, और एक्स का क्वेश्चन यहाँ पर कितना है पाई बाई फोर, वो अब फोन में आ जाएगा, और लिमिट ज़ीरो से वन। ठीक, यहाँ से देखिए क्या जाएगा, अपर लिमिट ए की पावर वन, वन रखेंगे तो वन ही रहेगा, और एक्स ज़ीरो रखेंगे माइनस करके तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि ए की पावर एक्स इंटू वन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, लिमिट ज़ीरो से वन, माइनस प्लस मैंने बाहर रखा, पाई बाई फोर था तो यहाँ पर फोर अपॉन पाई हो जाएगा, और लिमिट एक्स की जगह वन रखना है यानी कि कॉस पाई बाई फोर, और फिर एक्स की जगह ज़ीरो रखना यानी कि कॉस ज़ीरो। सो यहाँ से आ जाएगा e, ठीक, माइनस यहाँ से आएगा ए की पावर वन, और फिर माइनस ए की पावर ज़ीरो, फोर अपॉन पाई, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन। सो देखो यहाँ से इसे ही कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ए की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन, फोर अपॉन पाई, वन बाई रूट टू माइनस वन। इसको सॉल्व कर लो आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। सो आते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वन से रूट थ्री डी एक्स अपॉन वन का हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला किस रूप का दिख रहा है आपको, ये किस रूप का दिख रहा है, इसका क्या होता है वन अपोन है टेन इनवर्स एक्स अपोन है, और एक की जगह पर कितना है वन, यानी कि ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन वन से रूट थ्री, क्योंकि देखो वन अपॉन वन वन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक की जगह पर वन दे रखा है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, रूट थ्री किसका मानता है टेन में, टेन साठ का है ना, साठ मतलब पाई बाई थ्री, और टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई फोर की, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा ट्वेल्व, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो फोर पाई माइनस थ्री पाई यानी कि पाई बाई ट्वेल्व। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में, बहुत ही सिंपल है। सो एक्स के साथ नाइन है, इसको बाहर निकालना है पहले, बाहर आ जाएगा अपॉन में ज़ीरो से टू बाई थ्री, ऊपर है डी एक्स, यहाँ पर नाइन नहीं था तो नाइन अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो वन अपॉन नाइन बाहर, तो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, फोर बाई नाइन को लिख सकते हैं टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन नाइन बाहर वन अपॉन ए यानी कि टू बाई थ्री, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट ज़ीरो से टू बाई थ्री। तो काटेंगे तीन तीन नौ, तीन दुनी से वन अपॉन सिक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ होगा टेन इनवर्स, तीन ऊपर आ जाएगा थ्री एक्स बाई टू, लिमिट ज़ीरो से। अब एक्स की जगह पर अपर लिमिट रखना है एक बार, फिर लोअर लिमिट थ्री बाई टू इंटू
टू बाई थ्री एक्स की जगह रख दिया, और फिर एक्स की जगह रखेंगे ज़ीरो, तो ये बना देगा इसको ज़ीरो। सो टू से टू कटा, थ्री से थ्री कटा, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स ज़ीरो। टेन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई फोर, और ज़ीरो किस पे एंगल देते हैं, ज़ीरो पे। सो आ जाएगा पाई अपॉन 24, चार छंग 24। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।